आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सभी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में अभी एक ही सवाल है कि वैकेंसी तो अभी आ नहीं रही है, तो इस दौरान हम क्या करें, हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, क्या हमें कोई प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, जहाँ तक पॉसिबल बात है, अगले एक दो महीने में, जहाँ तक अगर गवर्नमेंट चाहती है वैकेंसी निकालना, तो एक दो महीने में वैकेंसी निकलने के पूरे पूरे आसार हैं कि एक दो महीने के अंदर आपके नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद में वो वैकेंसी करवा दें। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा देर होती है तो इसका कोई आइडिया कोई भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता। ये नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस दौरान अब आपके लिए दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ये बचता है कि मैम, क्या तो हम कोई प्राइवेट जॉब देख लें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। सबके परिवार वाले उनको घर बैठ के तैयारी नहीं करवा सकते हैं, किसी के लिए अफोर्डेबल होता है, किसी के लिए नहीं होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे लिए हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, द्वंद्व का विषय हो जाता है, जैसा कि आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि करें या नहीं करें, क्या करें। तो इस कंडीशन में देखो, सबसे बेस्ट है, दो आपको मैं दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स की बात करूँगी। पहला, आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर हैं। सिक्योर मतलब आपके पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपको कोई भी इस तरीके की बात नहीं है कि नहीं इतने दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है, पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा खुद से सेल्फ पढ़ना चाहिए, मेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप इस टाइम पे कोई भी गलत कदम ना उठाएं। गलत कदम इन द सेंस, आप कोई भी प्राइवेट जॉब के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस प्राइवेट जॉब के साथ साथ क्या होगा, अपनी तैयारी जो आपने पिछले 5-6 महीने से अच्छी करी है वो एकदम से स्लो हो जाएगी। आप एक लालच में फंस जाओगे और फिर वो आप नहीं कर पाओगे कंटिन्यू। दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एक बार जॉब कर लेते हैं, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा होता है कि कहीं पर भी हम कर लें। लेकिन अगर आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, आपको पढ़ना ही अभी बाकी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इस कंडीशन में मैं कहूँगी, और आपको पैसों की तरफ से कोई भी टेंशन नहीं है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है, ऐसी कंडीशन में आप इस दौरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और किसी भी तरीके के भटकाव में मत आइए। अपने मन में जो लालच, या लालच भी नहीं कह सकते, मजबूरी भी होती है, उसको मत कीजिए। ये तो बात हुई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनको पैसों के लिए किसी की तरफ देखना नहीं है, आराम से घर से मंथली पैसा आ जाता है और वो आराम से अपनी तैयारी कर लेते हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें जिम्मेदारियाँ निभानी होती है, कुछ लड़कियाँ भी होती हैं और कुछ लड़के भी होते हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ लड़कियों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कई लड़कियों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, लड़कों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, ऐसे कंडीशन में अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत हो गया है, आपने एक बार पढ़ लिया है और आपको लगता है कि मैं कहीं आसपास काम करूँगा तो मेरे दिमाग का जो प्रेशर है मेरे ऊपर, जो मैं एक मानसिक तनाव में रहता हूँ मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से, उससे मैं हटना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आसपास में कोई भी 11th 12th की दो क्लास जाके आप ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो सब्जेक्ट आने वाला है फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, जो जिसमें भी आपने अपना पीजी किया, मान लिया आपने बायोलॉजी में, जूलॉजी में किया या बॉटनी में किया, मतलब आप बायोलॉजी से फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, तो आप जब 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो आपका 11th 12th जो है आपने खुद ने भी पढ़ रखा है, उनको पढ़ाओगे तो रोज़ के 2 घंटे आपके क्या होंगे उसके अंदर, आप उसको दोगे, रेगुलर बेसिस पे दोगे और इस हिसाब से दोगे कि मुझे बच्चों को समझाना है
और अगर आपको ये दिमाग में आ गया कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। 24 घंटे में से अगर अपने आसपास के स्कूल को आप ज्वाइन करते हो, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर में मान लिया आपने क्लासेस तो 2 घंटे की ज्वाइन की है, मतलब पार्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आपको 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप क्या करो, अपने आसपास में जो भी स्कूल आपको मिल रही है थोड़ी सी दूरी पे, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, आधा घंटा भी लग रहा है तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, आप क्या करो वहाँ पर जाके 11th 12th की बात करके आ जाओ। वहाँ पे अच्छा सा अपना डेमो प्रिपेयर कर लो और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास लो, और माइंड में ये रखो कि इन बच्चों को तो सिखा ही रहा हूँ, साथ में मैं खुद भी सीख रहा हूँ। बच्चों को तो मैं सिखा ही रहा हूँ, साथ में मैं खुद भी सीख रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टॉपिक जो है उस पर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। आप जो MCQs अभी नहीं कर पा रहे हो, कभी करके देखना, ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो बड़ा फ़ायदा होता है उसका। आप जो टॉपिक अभी आपको खुद को नहीं आता है, कई बार होता है कि हमें बोरिंग लगता है, हम थोड़ा उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चों को समझाना होता है ना, तो थोड़ा ऐसा होता है, अपने रेस्पेक्ट की बात आ जाती है, यार बच्चे ऐसे सोचेंगे हमने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो हम क्या करते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, और क्योंकि हमने बच्चों को इतनी बार पढ़ाया तो हमें भी वो समझ में आ जाता है। पैसे मत देखना कि मुझे सिर्फ इतने ही दे रहे हैं, आपका थोड़ा बहुत आपका खुद का काम निकल जाएगा, आपके पास भी अपने जितने पैसे हो जाएंगे, प्लस आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और 3 या 4 घंटे भी आपने सुबह सुबह दे दिए, 8 से 10 का या 11 का टाइम आपने दे दिया आसपास के स्कूल में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी नया सेशन सब जगह स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के स्कूल्स देखो, इंग्लिश मीडियम पास में, बड़ी बड़ी दुकानों मत जाना क्योंकि वहाँ कोई पार्ट टाइम नहीं रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके मन में एक प्रेशर आ जाता है ना दिमाग में, उसी कंडीशन में ये आपको करना है कि आप वहाँ पर अपना स्टार्ट कर दे कुछ ना कुछ पढ़ना, ठीक है, आया कोई ना कोई जॉब करना वहाँ पे स्टार्ट कर दे, लेकिन पार्ट टाइम जॉब ही प्रेफर करना, और जॉब और सिर्फ टीचिंग के करना, क्योंकि टीचर ही आपको बनना है, और ऐसी जॉब उसको इस तरीके से करना, बर्डन समझ के मत करना कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, आप इस तरीके से करना कि नहीं ये करके मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, इससे मेरा नॉलेज, इससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने खुद टीचिंग कराते कराते मैंने 1st ग्रेड की तैयारी की है, और यकीन मानो मुझे सब्जेक्ट को लेके इतना ज़्यादा टेंशन ही नहीं हुआ, सब्जेक्ट में मुझे बॉटनी को लेकर ज़्यादा टेंशन हुआ, क्योंकि बॉटनी से मैं नहीं थी, तो मैंने वहाँ बच्चों को बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ाई, और बॉटनी का फ़ायदा क्या हुआ कि वो बॉटनी जो मेरे से नॉर्मल नहीं हो पा रही थी वो मैंने अच्छे से वहाँ पर कर ली। जूलॉजी की मैं थी तो जूलॉजी थोड़ा बहुत भी जब मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर फील नहीं हुआ, 1st पेपर को लेकर थोड़ा हुआ। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो सुबह सुबह 2-3 घंटे तो आपको जॉब करनी है, बाकी तो पूरा दिन पढ़ा है और आपने इतना तो पढ़ लिया है, बिल्कुल ज़ीरो से तो शुरुआत नहीं है। अगर बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो तो कोई जॉब मत करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अगर आपने एक बार भी सिलेबस अपना नहीं किया है। तो ये सब बातें मैंने कही, दोबारा से मैं समराइज कर देती हूँ आपको। पहली बात, अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है, फैमिली का फुल सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, मेंटली सपोर्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको किसी तरह भटकाव नहीं लेना है, वैकेंसी चाहिए आज आए या चाहे कल आए, आपको तैयार रहना है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप 5 घंटे 10 घंटे कितना भी पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सेकंड, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ आपको ये अलाउ नहीं कर रही है कि आप घर बैठे काम करें, आपको अपना खर्चा चलाना है, या कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इस कंडीशन में और थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, आपका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट प्रिपेयर है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, अपने आसपास की कोई भी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे NVS का मैंने वीडियो डाला था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, तो उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर उसे अपलोड कर दूंगी, आप उसे देख लेना। आप सबने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ लगा दिए हैं तो उसका जल्दी से ही वो पता चल जाएगा। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।